2500 वर्ष पूर्व परिशुद्ध निर्मल चित्त भारत के महापुरुष ने मानव जाति को दुख के अंधकार से बाहर निकालने में अपना जीवन अर्पित कर दिया। उनका नाम था गौतम बुद्ध। भारत में मुंबई के समीप विपश्यना विश्व विद्यापीठ इस साधना विधि के अभ्यास एवं अध्ययन के लिए मुख्य केंद्र है, जहां ये साधना विधि सयाजी गुंबाखेड़ की परंपरा में सत्यनारायण गोयनका जी द्वारा सिखाई जाती है। 64 एकड़ में फैली ये विद्यापीठ धम्मगिरी कहलाती है। विपश्यना साधना बुद्ध की शिक्षा तथा अभ्यास का सार है। ये मन की शांति प्राप्त करने तथा सुखी एवं सफल जीवन बिताने के लिए एक सरल व्यावहारिक प्रक्रिया है। विपश्यना का अर्थ जो जैसा है उसे वैसा ही देखना, यह आत्मनिरीक्षण द्वारा मन को विशुद्ध करने की सरल प्रक्रिया है। विपश्यना लोगों को समाज से भागना नहीं बल्कि जीवन के उतार चढ़ाव में शांति तथा समता से सामना करना सिखाती है। सन 1976 में स्थापित धम्मगिरी की गतिविधियां पिछले 31 वर्षों में कई गुना बढ़ी है और परिसर का खूब विकास हुआ है। साल भर होने वाले 10 दिवसीय शिविरों के अतिरिक्त यहां समय समय पर पुराने साधकों के लिए दीर्घ शिविरों का भी आयोजन होता है। ध्यान कक्षों एवं शून्यागारों का निर्माण यहां के सबसे ऊंचे स्थान शांति पठार पर किया गया है। यहीं पर निर्मित है एक बड़ा पगोड़ा, आचार्य निवास तथा 4 ध्यान कक्ष। इस गुंबदनुमा पगोड़ा के भीतर एकांत अभ्यास के लिए 371 शून्यागार है। इस पगोड़ा का बाह्य आकार म्यांमार की श्वेतगांव पगोड़ा की तरह ही बनाया गया है। केंद्र पर कम से कम 500 शिविरार्थियों के लिए आराम के निवास, भोजनालय तथा चक्रमण की व्यवस्था है, जो पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग क्षेत्रों में बने हैं। बागवानी तथा वृक्षारोपण से यहाँ का परिसर ध्यान के लिए अत्यंत लाभदायक है। धम्मगिरी के साथ साथ यहाँ केवल दीर्घ शिविरों के लिए 2 नए केंद्रों का निर्माण किया गया है। उनमें से धम्मत भवन 1 का निर्माण 4 एकड़ भूमि पर सन 2000 में किया गया। इस केंद्र में 85 पुरुष तथा 55 महिला शिविरार्थियों के लिए आराम के निवास, ध्यान कक्ष, भोजनालय तथा चक्रमण की व्यवस्था है, जो पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग क्षेत्रों में बने हैं। यहाँ के पगोड़ा में 200 शून्यागार। ध्यान केंद्र के साथ साथ यहाँ विपश्यना विशोधन विन्यास है, जहाँ विपश्यना साधना के सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक पक्ष पर शोध कार्य होता है। पाली साहित्य की शुद्धता को दीर्घ काल तक सुरक्षित रखने के लिए विपश्यना विशोधन विन्यास में पाली साहित्य में संपूर्ण त्रिपिटक, उसके अंटिकता तथा टीका अंटिका सहित म्यांमार तथा भारत के विद्वानों के सहयोग से देवनागरी लिपि में 140 भागों में प्रकाशित किया।
इस विपश्यना विशोधन विन्यास का एक महत्वपूर्ण कार्य पूज्य सत्यनारायण गोयनका जी के प्रवचनों की किताबें सीडी और डीवीडी का प्रकाशन करना है। पूर्व उद्योग प्रति सत्यनारायण गोयनका जी का परिवार कुछ पीढ़ी पूर्व म्यांमार में जा बसा था। गोयनका जी ने विपश्यना साधना सायाजी उबाखिन से सीखी, जो एक आदर्श गृहस्थ आचार्य थे और बड़े सरकारी अफसर। वे सायातैजी और सायातैजी लेडी सायारो के शिष्य थे। 14 वर्षों तक लगातार विपश्यना साधना का अभ्यास और अध्ययन तथा सायाजी उबाखिन की सहायता कर गोयनका जी सन 1969 में अपने आचार्य के प्रतिनिधि के रूप में भारत आए और आकर विपश्यना साधना सिखाने लगे। भारत में सदियों से युक्त